आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें एफ के बनने कहां से कहां तक, 1, 2, 3 से लेके 1, 2, 3 तक, ठीक है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फंक्शन। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फंक्शन इसके लिए जब जी भी गिवन है। क्या गिवन है? जी भी गिवन है और कंडीशन भी गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और जब कहां किसके लिए फाइंड करना है, एटलीस्ट वन ऑफ एक्स, और जहाँ कहां से कहां बिलोंग कर रहे हैं, 1, 2, 3। तो देखा जाए तो एक बार 1, 1 कंडीशन देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा क्या करना है। आओ देखते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? डोमेन क्या है इसका? 1, 2, 3। कोडोमेन क्या है इसका? 1, 2, 3। मतलब ये भी डोमेन, ये है डोमेन, ये है कोडोमेन। और हमें पता है नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब ये क्या हो गया m, मतलब एलिमेंट कितने हैं? 3। और ये क्या हो गया? 3। तो नंबर ऑफ फंक्शन जब हम फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन जब हम फाइंड करते हैं, वो क्या होता है? m के पावर n। तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3 क्या हो गया? 27। अब जी एक्स देखते हैं। जी एक्स की कंडीशन भी सेम ही गिवन है, 1, 2, 3, और इधर भी गिवन है 1, 2, 3। मतलब इसके लिए भी सेम कंडीशन है, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 3। नॉर्मल जी जाएगा नंबर ऑफ फंक्शन m के पावर n, तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3, 27। यहाँ नंबर ऑफ फंक्शन की मतलब क्या बात कर रहा हूँ मैं? पूरे एफ एक्स के लिए फाइंड कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। सिमिलरली यहाँ के लिए मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब हमारे पास कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया एफ, ये हो गया जी। तो ये क्या है? 1, 2, 3। ये हो गया 1, 2, 3, और ये एफ और ये जी। अब हमें फाइंड करना है एटलीस्ट वन ऑफ एक्स के लिए, मतलब जो हमें गिवन कंडीशन है वो है एटलीस्ट वन। यहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है 1, 2, 3, तो एटलीस्ट वन है। तो बची कुछ कंडीशन क्या बची? 2, मतलब 1 छोड़ा था 2, 3, 2 छोड़ा 3, 1, 3 छोड़ा 1, 2। तो मतलब जो अब फाइनल, जो हमारा फाइनल टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ जो पहले क्या किया था 3 के पावर 3, और फिर जो दूसरी कंडीशन मिली थी वो क्या थी? 2। उसके कितने पॉसिबल केस हैं? 3, 2 के पावर 3। तो 27 - 8 कितना आंसर आ गया? 19। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।